हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. जय हिंद टू ऑल. वेलकम बैक इन योर इंग्लिश क्लास. टुडे फर्स्टली वी विल डू द रिवीजन ऑफ प्रोनाउन एंड आफ्टर दैट आई विल सेंड यू टेस्ट. ओके स्टूडेंट्स, आर यू रेडी फॉर द रिवीजन टेस्ट? ओके, फर्स्टली इन वी विल रिवाइज दिस चैप्टर. मैं आपको इन शॉर्ट पे द शॉर्ट तरीके से आपको पहले चैप्टर रिवाइज कराऊंगी. ओके, आफ्टर दैट आई विल सेंड यू द रिविजन टेस्ट. क्लियर? आई होप आप सबको ये चैप्टर वैसे आ गया होगा. देर इज नो प्रॉब्लम, बट फिर भी वन टाइम वी बी मोर रिवाइज दिस चैप्टर. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द डेट टुडे? 18th December 2020 एंड डे फ्राइडे. चैप्टर 8. व्हाट इज द नेम ऑफ योर चैप्टर 8 इन इंग्लिश ग्रामर स्टूडेंट? क्या नेम है आपके चैप्टर का? I, you, he, she, it, we, they. Yes, student, I am right. Yeah. I, you, he, she, it, we, they. ये जितने भी words आपको दिए हैं ये सब क्या हैं? Pronoun. What? Pronouns. तो chapter है आपका है pronoun. PRONOUN noun, pronoun. Pronoun को हम हिंदी में बोलते हैं स्वरनाम. क्या बोलते हैं? स्वरनाम. यानी words that are used in place of nouns are called pronouns. Words that are used, यानी वो शब्द that are used, जो यूज किए जाते हैं इन द प्लेस ऑफ nouns, नाउन की जगह पर जो यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? pronouns. क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? pronouns. अब आप देखिए, words that are used in place of nouns are called pronouns. अब आते हैं nouns क्या होते हैं. what is the noun? Noun are naming words. यानि किसी व्यक्ति का नाम. The noun is the name of a person, place, animal or a thing. यानि जहाँ पर किसी व्यक्ति का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी जगह का नाम है, या किसी animal का नाम है, या फिर किसी thing का नाम है, अगर हम उस नाम की जगह, उस नाम को बार बार ना लेकर उसकी जगह हम कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन. क्या कहलाता है? प्रोनाउन. और हम कौन विच वर्ड्स वी हैव टू यूज, कौन कौन से वर्ड्स हम यूज करते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, ये वर्ड्स हम यूज करते हैं. तो जितने भी वर्ड्स हैं ये सब क्या हैं? प्रोनाउन्स. क्या है स्टूडेंट? प्रोनाउन. नेम से भी पता चलता है प्रोनाउन. प्रोनाउन यानी नाउन के प्लेस पर जो यूज होता है वो क्या कहलाता है? प्रोनाउन. क्या कहलाता है स्टूडेंट? प्रोनाउन. आपको समझ में आया प्रोनाउंस क्या है? आप देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हम कौन सा प्रोनाउन कहाँ पर यूज करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्टली आई. आई के बारे में मैं बात करूंगी स्टूडेंट. देखिए, आई की मैं बात करूं, आई एम टॉकिंग फर्स्टली अबाउट आई. आई किसके लिए यूज करते हैं हम? अपने लिए. किसके लिए यूज करते हैं? अपने लिए. व्हेन वी टॉक अबाउट आवर सेल्फ, जो हम अपने बारे में बात करते हैं, जैसे मैंने कहा माय नेम इज अलका त्यागी, आई एम अ टीचर, आई लिव इन मोदी नगर. यस, तो क्या है, मैंने आई किसके लिए यूज किया? अपने लिए. मैंने अपना नाम की जगह, अपने बार बार अपना नाम ना लेकर मैंने क्या यूज किया? आई. तो आई क्या है स्टूडेंट? प्रोनाउन. अब आप देखिए, सेकंड है यू. यू, यू किसके लिए यूज करते हैं हम? यू हम सिंगुलर में भी यूज करते हैं और प्लुरल में भी यूज करते हैं. जैसे राम, यू आर अ गुड बॉय. मैंने किसी को क्या बोला? यू आर अ गुड बॉय, यानी तुम अच्छे बच्चे हो. मैं क्लास में कभी जाऊं तो मैं बोल दूंगी
वेरी गुड क्लास, यू आर गुड बॉयज, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम बहुत अच्छे लड़के हो. जैसे 4-5 स्टूडेंट बैठे हैं, बॉयज बैठे हैं, मैंने बोलते हैं वेरी गुड, यू आर गुड बॉयज, यानी आप बहुत अच्छे हैं. एक बच्चे को बोलूँ मैं यू आर गुड बॉय कि तुम एक अच्छे बच्चे हो. तो यू को हम सिंगुलर एंड प्लुरल दोनों में ही यूज़ करते हैं. ही हम किसके लिए यूज़ करते हैं? वन वी टॉक अबाउट अ बॉय, यानी जब हम किसी व्यक्ति की बात करते हैं, मेल की बात करते हैं, बॉय है, मैन है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? ही एंड शी. जहाँ पर हम किसी गर्ल की बात करते हैं, वुमेन की बात करते हैं, जैसे सीता, गीता, किसी लड़की का नाम हो या किसी वुमेन की बात करते हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे? शी. नाउ इट, इट कहाँ पर यूज़ करते हैं स्टूडेंट हम? जब हम बात करते हैं एनिमल के बारे में या नॉन लिविंग थिंग के बारे में, कोई वस्तु की बात करें या एनिमल की बात करें, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इट. क्या यूज़ करेंगे? इट. एंड वी मीन्स हम. वी किसके लिए यूज़ करते हैं? ध्यान से देखिए स्टूडेंट, वी को, वी हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जब हम बात करते हैं अपनी भी और अपने साथ किसी अदर पर्सन की. जैसे मैंने कहा आई एंड राम आर गुड फ्रेंड, यानी मैं और राम अच्छे दोस्त हैं. इन दैट केस वी हैव टू यूज वी. हम क्या यूज़ करेंगे? वी. ओके. एंड दे हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? प्लुरल के लिए, जहाँ पर बहुत सारे होते हैं. जैसे मैंने यूज़ किया दे की, दे हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जब हम प्लुरल की बात करते हैं. क्लियर स्टूडेंट? नाउ देर आर सम एग्जाम्पल. जैसे अनिल इज अ गुड बॉय. अनिल इज अ नेम ऑफ अ मैन, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम है, बॉय का नेम है कि अनिल इज अ गुड बॉय. तो मैंने अनिल की जगह कौन सा प्रोनाउन यूज किया स्टूडेंट? विच प्रोनाउन? स्पीक एवरीबॉडी. ही इज वेरी स्मार्ट. अनिल की जगह पर मैंने कौन सा प्रोनाउन यूज किया? ही. विच प्रोनाउन? ही. सेकंड देखिए, सीता वर्क्स इन अ हॉस्पिटल. सीता एक हॉस्पिटल में काम करती है. शी इज अ नर्स. वह क्या है? नर्स है. तो सीता की जगह मैंने क्या यूज़ किया? शी. क्योंकि सीता जो है एक गर्ल का नेम है, फीमेल नेम है, तो मैंने क्या यूज़ किया? शी. थर्ड देखिए, द डॉग रन्स आफ्टर द बॉल, यानी जो डॉग है वो बॉल के पीछे भाग है. डॉग की जगह मैंने क्या यूज़ किया? इट. इट लाइक्स टू प्ले, कि उसे खेलना पसंद है. देखिए फोर, सीमा एंड मोहन वेंट फॉर अ पिकनिक. यानी यहाँ पर कितने लोग हैं? दो लोग हैं, मोर देन वन है, प्लुरल है. तो मैं क्या यूज करूंगी? विच प्रोनाउन? दे हैड अ लॉट ऑफ फन. उन्होंने बहुत मजा किया, फन किया. फिफ्थ सेंटेंस देखिए स्टूडेंट. फिफ्थ सेंटेंस है आई एंड राम आर बेस्ट फ्रेंड. फिफ्थ सेंटेंस है आई एंड राम आर बेस्ट फ्रेंड. मैं और राम जो हैं बेस्ट फ्रेंड हैं. मैंने अपने आप को भी इंक्लूड किया. आई एंड राम आर बेस्ट फ्रेंड. मैं और राम अच्छे दोस्त हैं. विच प्रोनाउन? वी. ऑलवेज प्ले टुगेदर वी. तो मैंने क्या यूज किया? वी. वी. विच प्रोनाउन? वी. वी क्यों यूज किया? क्योंकि आई यानी मैं और मेरे साथ दूसरा व्यक्ति कौन? राम. हम क्या हैं? बेस्ट फ्रेंड हैं. देखिए, टेक दिस स्टोरी बुक. इस स्टोरी बुक को ले लीजिए. यू विल एंजॉय रीडिंग इट. तुम इसे पढ़कर एंजॉय करेंगे. यू विल एंजॉय. मैं किसी थर्ड पर, टेक दिस स्टोरी बुक, कि आप इस स्टोरी बुक को ले लीजिए. यू विल एंजॉय रीडिंग इट. देखिए मैंने, अगर आप देखेंगे तो बुक क्या है यहाँ पर, स्टोरी बुक के लिए मैंने क्या यूज किया है? इट. सब देखिए सिक्स सेंटेंस की तरफ देखिए स्टूडेंट. देखिए दिस स्टोरी बुक, स्टोरी बुक की जगह मैंने क्या यूज किया है? इट. क्या यूज किया स्टूडेंट? इट. विच प्रोनाउन? इट. और वैसे मैंने यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज किया है? यू. टेक दिस स्टोरी बुक. जैसे मैं किसी को बोलूँ टेक दिस स्टोरी बुक, इस स्टोरी बुक को ले लीजिए. यू विल एंजॉय रीडिंग इट. आप इसे पढ़ने में आपको एंजॉय करेंगे, आपको मजा आएगा.
क्लियर स्टूडेंट? और आई को मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वी यूज आई व्हेन वी टॉक अबाउट आवर सेल्फ, जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, आई को यूज करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? आई होप ऑल ऑफ योर गॉट इट माई पॉइंट, कि आप सबको समझ में आ गया होगा। यस स्टूडेंट, नाउ आई एम सेंडिंग यू रिविजन टेस्ट। एवरी स्टूडेंट नोट डाउन दिस टेस्ट इन योर कॉपी एंड डू योर टेस्ट वेरी ऑनेस्टली। ओके, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास एंड आई विल टेक द टेस्ट द सेम चैप्टर, चैप्टर 8 अगेन। सो इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, एनी डाउट, देन आस्क मी, देन कॉल मी। अगर कोई भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड आपको है तो बच्चे आप मुझे कॉल कीजिए, उसे बात कीजिए कि मैम मेरा ये डाउट है, मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल मूव टू द रिविजन टेस्ट। देखिए मैंने आपको रिविजन टेस्ट दिया है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, नाउ आई एम सेंडिंग यू रिविजन टेस्ट एंड दिस इज योर रिविजन टेस्ट। डू योर टेस्ट इन योर कॉपी। ओके, बाय बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।